हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और मित्रता पाठ का सार भी समझने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उसके बाद मित्रता पाठ का सार समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि पहले हम लोग संक्षिप्त में देखने वाले हैं एंड उसके बाद, और यदि आप इसे देख भी रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा में भी आप इसी प्रकार से जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड इनका जन्म जन्म की बात करें तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पहले संक्षिप्त में देखेंगे, फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था, बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। एंड उसके बाद बात करेंगे कि पिता का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम चंद्र बलि शुक्ल था। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनकी शिक्षा के बारे में, जो कि इंटरमीडिएट, पहले इसे एफए भी बोला जाता था, एफए इंटरमीडिएट तक ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, है ना। और उसके बाद देखिए आजीविका, तो अध्यापन, लेखन और प्राध्यापक, है ना। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1941 ईस्वी में। परीक्षा में आप पहले संक्षिप्त में ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद देखिए अब हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, गुलाब राय के अनुसार, इनका नाम ध्यान में रखिएगा कि गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म अभी हम लोगों ने संक्षिप्त में भी देखा कि 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। एंड इनके पिता का नाम क्या था, चंद्र बलि शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई, ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक, तो ये क्या थे, जो मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला यानी जो आर्ट के टीचर बने, है ना, अध्यापक हो गए। चलिए, तो हम लोगों ने जो मेन पॉइंट थे तो ये देखा कि ये निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में जाने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एंड इनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। एंड इनके पिता कौन थे, चंद्र बलि शुक्ल, और इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए थे ये, ठीक है। और इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ तक की थी, इंटरमीडिएट तक। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से ही प्राप्त किया, मतलब खुद से ही, है ना, स्वयं से ही अध्यापन करके। अब उसके बाद देखिए, बाद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादन का कार्यभार संभाला। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। उसके बाद देखिए, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। और उसके बाद देखते हैं कि शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ किया, शुभारंभ कविता से किया। कैसे किया, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो इन्होंने इसका शुभारंभ कैसे किया, कविता से, ठीक है। उसके बाद नाटक लेखन की और भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जीवन के अंतिम समय तक
साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और परीक्षा में भी आप इसी तरह उसको लिख सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जीवन परिचय आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 3 नंबर में आप ये सभी लिखेंगे उनका जीवन परिचय, और उसके बाद जो उनकी रचना वो आपकी मुख्य होती है, और परीक्षा में आपको सिर्फ इनकी एक मुख्य रचना लिखनी है, ठीक है, तो वो 2 नंबर की होती है। तो टोटल आपका जीवन परिचय जो पूछा जाता है वो कितने नंबर का होने वाला है? 5 नंबर का। तो चलिए, जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं वो ध्यान में रखिएगा कि निबंध, इनका निबंध है चिंतामणि, चिंतामणि, और दूसरा कौन सा है? विचार विधि। तो ये ध्यान में रखिएगा, चिंतामणि और विचार विधि इनके निबंध है। उसके बाद आलोचना में बात करें तो आलोचना में रसमीमांसा, रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास, ठीक है, तो इनमें परीक्षा में आपको एक लिखनी रहेगी। तो गद्य से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में ज्यादातर लगातार ये पूछा भी जाता है ये जीवन परिचय। वैसे तो सभी है इम्पोर्टेंट, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये गद्य में अभी फर्स्ट ही है, जिसमें इनका निबंध क्या है? मित्रता। तो चलिए, अभी हम लोगों ने इनका जीवन परिचय देखा, अब इसके बाद हम लोग मित्रता, जो कि इनका निबंध है, इसके पाठ का सार देखने वाले हैं। यदि आप बुक में देखेंगे, पुस्तक में देखेंगे, तो काफी लंबा तरीका दिया रहेगा पाठ का, तो इसी इसका सार समझना है। सार समझ करके आपकी परीक्षा में कुछ लाइन इसी चैप्टर से दी जाती हैं, जो कि रेखांकित भी कर दी जाती हैं, और बोलते हैं कि इस रेखांकित जो ये लाइनें हैं इनको क्या करना होता है, इनकी व्याख्या करनी होती है। तो अभी जो अगले क्लास में हम लोग वो भी पढ़ेंगे साथ साथ में, लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो इस मित्रता पाठ का सार देखने वाले हैं। सार मतलब एक शॉर्ट वे में उसको समझने वाले हैं कि क्या है पूरे चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो मित्रता निबंध है, ये पाठ है, तो इसमें क्या है मेन, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ यह बताता है कि क्या बताता है कि सच्चे मित्र और मित्रता का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहली बात तो सच्चे मित्र और मित्रता का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, किस उद्देश्य से हमें जो है मित्रता करनी चाहिए, या फिर उसका किस प्रकार से, अभी इसको हम लोग देखने वाले हैं। एंड उसके बाद इसी पूरे पाठ में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखना है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, और उसके बाद सच्चे मित्र का चयन करते समय उसके किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए, है ना, किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए, और एक सच्चे मित्र के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, है ना, तो उसके कर्तव्य कौन कौन से होते हैं इसको भी देखना है। एंड अंत में लेखक यह भी बताता है कि बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए, ठीक है, तो हमें बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए। तो इस मित्रता पाठ में मेन पॉइंट यही है, और इन्हीं को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो है हम लोग का इसमें पॉइंट, वैसे तो बुक में आपका ऐसे डिटेल वाइज दिया है पूरा करके, लेकिन हम लोग इसे इसमें केवल इसके सार को समरी वाइज समझेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। तो चलिए, जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर से बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया में कदम रखता है ना, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चे मित्र बनाने की होती है, है ना। जब घर की चार दीवारी से बाहर निकलता है तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो क्या होती है? मित्र बनाना, एक सच्चा मित्र बनाना, है ना। उसके बाद देखिए कि यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है ना, समाज की रीति, समाज के तरीकों से जानकार है ना, उसकी वो जानकारी है, या बोलचाल में कुशल है, बातचीत करने का भी तरीका क्या है, एकदम बढ़िया। उसके बाद जो शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है, और उनमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं, लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता है, ठीक है। उस समय उसका मस्तिष्क व मन, जो उसका मस्तिष्क होता है और जो उसका मन होता है, वो क्या होता है? निर्मल होता है, ठीक है, निर्मल, एकदम कोमल होता है कि वो किसी भी चीज को नहीं जानता है, ठीक है। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूरत के समान होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है कच्ची मिट्टी की मूरत के समान होता है, तो बनाने वाला उसे चाहे राक्षस भी बना सकता है और चाहे देवता भी बना सकता है, मतलब मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। तो ये काफी अच्छी लाइनें हैं, है ना,
और आप लोग को ये किससे सीख भी मिलती है कि सच्चे मित्र का चयन है ना, कि जब अनभिज्ञ होता है इंसान, एक उसका व्यक्तित्व तो उसका किसके समान होता है, कच्ची मिट्टी की मूरत के समान होता है, तो बनाने वाला उसे राक्षस भी बना सकता है और क्या बना सकता है, देवता भी बना सकता है। तो उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अच्छा नहीं अभी इसी का है, इसी से रिलेटेड अभी आगे और है, कि ऐसे लोगों से मित्रता अच्छी नहीं होती है। कैसे लोगों से, अब आगे आगे देखते हैं, कि जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते और हमें बिना सोचे समझे उनकी बात माननी पड़ती है ना। और दूसरी ओर उन लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं है जो हमारी ही बात को ऊपर रखकर सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं करते, है ना। विरोध नहीं करते मतलब मुंह पे मीठी मीठी बातें करते हो, पीठ पीछे क्या करते हैं। हाँ चलिए, तो जिससे धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। बड़ा आश्चर्य इस बात पर भी है कि घोड़े खरीदते समय भी हम बहुत जांच परख कर लेते हैं, किंतु जब हम मित्र का चयन करते हैं तब हम उसके पहले का आचरण एवं व्यवहार आदि की कुछ भी जांच नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसे बस समझना है आपको, समझना भी क्या है, सीख भी मिलेगी आपको। और इसी प्रकार से जब इसी पार्ट से आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी रेखांकित करके, तो बस उसे उसे व्याख्या करना है आपको, अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बस हमारा जो मेन ये है कि समझना। उसके बाद देखिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, कि सच्चे मित्र के गुण, आखिर सच्चे मित्र के कौन से गुण होने चाहिए, है ना, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो एक जो विश्वास पात्र मित्र होता है जीवन में औषधि के समान होता है, एक दवा के रूप में काम करता है ना, हर परेशानी से क्या करता है, बाहर निकालता है, तो वो एक दवा के ही रूप में काम करता है। तो उसके बाद देखिए जो हमें बुराइयों से बचाता है, क्या करता है, बुराइयों से बचाता है और सत्य मर्यादा पवित्रता के प्रति प्रेम को मजबूत बनाता है। अब ये कठिन तो नहीं लग रहे होंगे आपको ये जो यहाँ पर कुछ शब्द है, सत्य मर्यादा पवित्रता, है ना, तो इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। सत्य मतलब सच्चाई, मर्यादा उसके जो जो मतलब उसका दायरा होता है, और पवित्रता मतलब उसकी जो क्या बोले पवित्रता, ठीक है, के प्रति प्रेम को क्या करता है, मजबूत बनाता है। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य जैसी निपुणता होती है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये तो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और परख होती है, माता सा धैर्य होता है, कोमलता कोमलता होती है जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकती है। कुमार्ग मतलब जो हमें बुरे रास्ते पर जाने से रोकती है ना। एक सच्चे मित्र के गुण जो ऐसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, उत्तम वैद्य जैसी निपुणता होती है उसमें, निपुणता और परख होती है ना। और उसके बाद माता सा धैर्य होता है, कोमलता होती है जो कि हमें एक बुरे रास्ते पर जाने से क्या करती है, रोकती है। उसके बाद निराश होने पर हमारे मन में आशा का संचार करती है। जब भी हम निराश होते हैं तो उसमें क्या करती है, एक आशा, नई उम्मीद जागृत करती है ना। हमें ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक की भांति होना चाहिए, जो विश्वसनीय हो, जिससे हम प्रेम कर सके, और दोनों के बीच सच्ची सहानुभूति भी होनी चाहिए। तो बस इन मेन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे ये समझिएगा तो आपको आसानी होगी व्याख्या करने में, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, कि सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो सच्चे मित्र का सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि उसका चयन किस प्रकार करना चाहिए, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट था तो उसमें क्या था, कि सच्चे मित्र के गुण कौन कौन से होने चाहिए, एंड उसके बाद अब हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, कि सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, है ना। तो एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, जो हमारा मतलब सही मार्गदर्शन करे मतलब हमें एक सही रास्ता दिखाए, है ना। वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए, प्रेम पात्र मतलब हमारे प्रेम को भी समझे, है ना, और ऐसा भी हो कि वो हमारे प्रेम के योग्य भी हो, है ना। जिसमें एक अच्छे भाई के गुण हो, एक अच्छे भाई के गुण हो, भाई या बहन के गुण भी हो। चलिए, दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अपनी दूसरी रास्ते पे चल रहा है और दूसरा अपना दूसरे रास्ते पर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या होना चाहिए, सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए।
जो एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने, है ना, एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, मतलब उसके भी सुख दुख को क्या समझे, अपना ही सुख दुख समझे। तो जिनमें अधिक आत्मबल हो, जो सत्यनिष्ठ व परिश्रमी हो, मतलब सत्यनिष्ठ हो, एकदम अपना काम जो है समय पर ही करे, और परिश्रमी भी हो, मेहनती भी हो, जिनमें हमें धोखा खाने का डर ना हो, है ना, कि ऐसा ना हो कि वो किसी भी प्रकार से हमारे साथ छल कर सकता है या फिर हमें किसी बुरे रास्ते पर ले जा सकता है ना। जिनका मन नीच व कुसंगत कुसित कुत्सित सॉरी है ना, जिनका मन नीच व कुत्सित विचारों से दूषित हो, जो दूसरों की बुराइयों, बनाव, श्रृंगार व नशा आदि आदतों से घिरे हैं, ऐसे लोगों से हमें भूल कर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमें ऐसे ही मित्रत्व, सॉरी, ये जो है हमारी लाइन, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, और आप लोग व्याख्या करने के समय उसमें लिख भी सकते हैं यदि ऐसी ही लाइन उसमें आई तो, कि हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक क्या हो, आत्मबल हो। हमें उनका पल्लू या पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, कि अगर एक बार पकड़ लिया तो हर हाल में उन्हीं के साथ में रहना है, हर स्थिति में उन्हीं के साथ में रहना है, और उनका ही साथ बनाए रखना है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, काफी अच्छी लाइनें थी। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, तो इस पूरे पाठ में आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और पूरे पाठ में सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है। तो चलिए, जो हमारा अगला पॉइंट है कि विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव, मतलब ऐसा नहीं है कि मित्रता तभी होगी कि जब हमारा और आपका मेल खाए, मतलब जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही आपका भी स्वभाव है, ऐसा नहीं है। यदि आपका विपरीत स्वभाव है, यानी हमसे विपरीत है, तब भी मित्रता क्या संभव हो सकती है ना। तो ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की प्रकृति और आचरण समान हो, जैसे कि अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, है ना। या फिर हाँ, आगे देखते हैं हम लोग कि वे एक सा कार्य करते हो या समान रुचि के ही हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है, विपरीत वाले भी क्या हो सकते हैं, उनमें भी मित्रता संभव हो सकती है, और भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता व भाईचारा बना रह सकता है। यदि एक जैसा नहीं भी है तब भी उनमें मित्रता और भाईचारा बना रह सकता है। जैसे, ठीक है, एक एग्जाम्पल में भी देखिए, जैसे श्री राम धीर, गंभीर व शांत स्वभाव के थे, है ना, वो भी कितने थे, मतलब कैसे थे, कि उनका भी जो स्वभाव था वो कैसा था, गंभीर था, धीर थे, है ना, और शांत स्वभाव के थे। जबकि लक्ष्मण उग्र उदत्त स्वभाव के थे, मतलब वो एकदम स्थिर नहीं थे ना, ना वो इतने गंभीर थे, मतलब कि आराम से, वो एकदम क्या थे, उग्र हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में एकदम तनावपूर्ण, मतलब जो है कर देते थे कि बस इनको हम यही कर देंगे। और आप लोगों ने रामायण देखी भी होगी, है ना, कि उनका कैसा स्वभाव था लक्ष्मण का। तो देखिए, स्वभाव क्या यहाँ पर मैच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। इसी प्रकार फिर भी क्या था, दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था, फिर भी देखिए दोनों भाइयों में क्या था, प्रेम था, है ना, जबकि एक जैसा स्वभाव उनका बिल्कुल भी नहीं था। चलिए, इसी प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर भी उनकी मित्रता जगविदित है, मतलब हर कोई जानता है कर्ण और जो लोभी जो दुर्योधन था, इनकी मित्रता को हर कोई जानता है। चलिए, कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है वे हमारे मित्र में होने चाहिए, है ना, जैसे गंभीर व चिंतनशील व्यक्ति प्रसन्न चित्त का, निर्बल बलवान का, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। जो लोग ना तो बुद्धिमानी की बातें करते हैं, है ना, बुद्धिमानी की बात करते हैं, ना सहानुभूति दिखाते हैं, और ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं, ना हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा कुछ मतलब बढ़िया सी लाइनें देखी, और इनको ध्यान में भी रखिएगा। और जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें क्या बोल रहा है, कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक है, बिल्कुल है। कुसंगत, यदि गलत रास्ते पे हम चल रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए हानिकारक होगा, ठीक है, इससे हम भी सहमत हैं। तो देखिए,
यहाँ पर जो हम लोग इसमें मेन पॉइंट देखेंगे, मेन पॉइंट मतलब इसे हमें समझना है, और इसको समझने के बाद आपको आसानी हो जाएगी व्याख्या करने में, है ना, जो कि हम लोग पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। तो देखिए, कुसंगति मतलब एक, मतलब जिसकी संगति अच्छी ना हो, है ना, कुसंगति एक बुरी संगति। तो कुसंगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है ना। कुसंग का ज्वर, जो कुसंगति मतलब एक जो खराब संगति होती है, उसका ज्वर ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है, बिल्कुल नाश कर देता है, कि उसे कुछ अच्छा और बुरा सोचने समझने की शक्ति भी उसकी क्या हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। यह व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराता है, मतलब पतन की ओर ले जाता है, और घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है, जबकि अच्छी संगति से व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है। यदि बुरी संगति होगी तो हमारा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पतन होता जाएगा, और यदि हमारी संगति अच्छी है तो वो हमें दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ले जाएगी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उसका चरित्र उज्जवल व निष्कलंक हो जाता है, ठीक है, जो यदि अच्छी संगति है तो उसका चरित्र क्या, उज्जवल हो जाता है एंड निष्कलंक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग यदि बुरी संगति में पड़ जाते हैं, तो जैसे एक है कि यदि हम लोगों ने कीचड़ में पैर रख दिया, तो फिर हमें इसका इसकी समझ नहीं रह जाती है, कि अगर मान लीजिए एक बार हमने कीचड़ में पैर रख दिया, तो वो हमारा पैर कहाँ जा रहा है वो हमें खुद ही नहीं पता होता है ना। तो इसी प्रकार को संगति भी होती है, कि यदि हम लोग एक बार शामिल हो गए, तो फिर कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार हमारा पतन हो रहा है, वो हमें खुद ही एहसास उसका बिल्कुल भी नहीं रह जाता है ना। तो देखिए, हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। उत्तम सच्चरित्र, सच्चे, ईमानदार, विवेकशील लोगों के साथ ही रहना चाहिए और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, और इन बातों को ध्यान में भी रखना चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो हम लोगों ने इसमें देखो, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखा, और साथ ही साथ किस प्रकार से पहले हम लोगों ने उसको संक्षिप्त में देखा, फिर कैसे उसको लाइन वाइज डिटेल में हम लोग उसको लिखेंगे, और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी देखी, और साथ ही साथ उनका जो निबंध है मित्रता, इस पाठ का पूरा सार भी देखा। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग इन्हीं मित्रता इसी मित्रता पाठ से संबंधित कुछ लाइनें लेकर के आएंगे, जो कि गद्यांश होगा, जो कि आपकी परीक्षा में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि गद्यांश, और उसमें कुछ रेखांकित अंश होता है, तो उसका हमें पहले संदर्भ करना होता है, फिर उसकी व्याख्या करनी होती है, और भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका हमें आंसर करना होता है। तो अगली क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं, मित्रता पाठ के गद्यांश की व्याख्या के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।